दोस्तों आज बनेगा पत्ता गोभी से एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी, सबका पसंद होगा, घर का सामान से झटपट बन जाएगा। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के भी साथ खा सकती है। पत्ता गोभी का सीजन शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर ये पत्ता गोभी को देखिए, इस तरह से मैं लंबे लंबे स्लाइस से पतला पतला करके कट कर लिया है। और ये एक कप चना दाल को ना मैंने भिगा कर रखा था 4-5 घंटा पहले। चना दाल फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगती है, तो लगभग आप इसे 2 घंटा पानी में भिगा कर रखिए। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया से फूल चुकी है, देखिए इस तरह से दबाने से ये टूट जाती है, तो ये बहुत ही बढ़िया से फूल चुकी है। तो इसे एक साइड कर दूंगी। यहाँ पर गैस में एक कढ़ाई में मैंने लूंगी 2 चम्मच करीब सरिस का तेल। सरिस का तेल से ये रेसिपी बहुत ही अच्छा होगा। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लिया है पंच फुटन यानी कि मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, जीरा, अजवाइन से ये तैयार होती है। यहाँ पर हमारा इसे पंच फुटन बोलती है। पंच फुटन का जो चटकने के बाद जो स्मेल आएगा ना, करी के बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी बनेगा। तो मैंने जब भी कोई सब्जी तैयार करती हूँ पंच फुटन जरूर लेती हूँ। दो ड्राई चिली का तड़का लिया है, इसके साथ साथ 1 तेज़पत्ता और 1 इंच करीब हींग लिया है। हींग भी बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर, टेस्ट और स्मेल देगा। और यह है कड़ी पत्ता, 5-7 कड़ी पत्ता मैंने लिया है। एक प्याज को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस से कट कर लिया था। थोड़ा सा नमक देकर इसे भूनूंगी। तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे ना, आप मुझे जरूर लाइक करना। यदि अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी स्टेज पे यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, सिर्फ 1 चम्मच, बहुत ही कम मसाला से ये रेसिपी तैयार होगा और सबका पसंद होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये सभी को मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अभी एक टमाटो को ना इस तरह से कट करके लिया है, एक बड़ा साइज का टमाटो है। टमाटो बिना तो ये रेसिपी अधूरा है भाई। इसके साथ साथ मैंने 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है धनिया का पाउडर और 1/2 चम्मच से भी कम मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, ताकि तीखा ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती है, घर में छोटा बच्चा है। इसके साथ साथ 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, ये सभी को मिक्स कर दूंगी। ये मसाला को मैंने 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनूंगी। मसाला को ज़्यादातर तक भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। तो अभी मैंने यहाँ पर बहुत ही कम पानी यूज करूँगी, 1/2 कप करीब मैंने पानी लिया है। और ये सभी को मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी, पहले मैंने जो चना डाल कर रखा था, चना डाल को पहले डालूँगी, ताकि चना डाल बॉयल होने में थोड़ा सा समय लगती है। और इसके साथ साथ हमारा टमाटो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो स्वाद के अनुसार मैंने नमक लिया है, इसे मिक्स कर दिया है। अभी मैंने इसे ढक्कन देकर लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी, पहले इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है। इसी स्टेज पे हम चना डाला को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जितना भी हमने पानी लिया था ना, पानी का क्वांटिटी भी कम हो गया है। तो चना डाल को चेक करेंगे। चना दाल देखिए यहाँ पर 80% तक बॉयल हो चुकी है, और जो 20% है ना, ये पत्ता गोभी के साथ बॉयल हो जाएगा। तो अभी मैं ये पत्ता गोभी को डाल दूंगी यहाँ पर, और पानी में यूज नहीं करूँगी, ताकि पत्ता गोभी में जो पानी निकलेगा ना, ये पानी में ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर से आपको याद कर देती हूँ, यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे, नीचे एक लाइक का बटन है, इसे ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगेगा कि नहीं। नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकती है, जो भी है एक कर दीजिए ना ज़रूर। तो ये सब तो मिक्स हो गया, अभी इसे ढक्कन देकर फिर से मैं 7-8 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। बीच बीच में इसे चेक करना भी ज़रूर है। तो लगभग यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गया है, बीच में मैंने 2 बार चेक भी किया था। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ड्राई हो चुकी है और पत्ता गोभी भी सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में मैंने लिया है कुछ ग्रीन चिली। ग्रीन चिली लास्ट में लेने से इसका स्मेल बहुत ही बढ़िया आती है। आप चाहे तो इसे इस तरह से ड्राई भी रख सकती है, नहीं तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा पानी देकर और सूप कर सकती है। जिस तरीके से भी कीजिए ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकती है। लास्ट में कुछ धनिया का पत्तियां देकर इसे सर्व कीजिए। तो रेसिपी अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना। मिलते हैं फिर एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।